एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ प्रिंटिंग के बारे में। जो हमारे फैब्रिक है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है फैब्रिक को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उनको प्रिपेयर करना, उनको डेकोरेट करना, उनकी उनकी विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके फील को, उनके टच को, उनको एनहेंस करने का जो तरीका है वो हमारे टेक्सटाइल्स में आता है। टेक्सटाइल्स में हमारी जो चीज़ें काफ़ी पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं, और जो पर्टिकुलर स्टेट की, पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें शो होती हैं, वो हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स कहलाती हैं। इन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के बारे में आज हम बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके TGT, PGT, GIC, NET, GRF इन सभी में आते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं फिर से आपको एम्फोसिस कर रही हूँ इस बात पर, तो इनसे रिलेटेड नोट्स को जरूर बनाएं, और इनके साथ में ही मैं आपको इनकी इमेजेस दिखाकर क्लियर करती जाऊंगी कि ये पर्टिकुलर जो आपकी टेक्सटाइल है वो किस तरीके की होती है, ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल किस तरीके की है, और इसके जो इन डेप्थ स्टडी है इसमें पर्टिकुलर किस तरीके के मोटिव्स लिए जाते हैं, आपकी स्टाइल क्या रहती है, आपकी एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, उसमें स्टिचेस कैसे आते हैं, क्या कलर के थ्रेड्स यूज किए जाते हैं, वो सारी ही चीज़ें हम आगे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम इनसे रिलेटेड सारी इनकी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें जानेंगे और इनकी प्रोसेस को भी देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं अपने बेसिक क्लासिफिकेशन को। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, सो दैट आपके लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहे, और साथ में ही आप क्विक रिविजन कर सके अपना एक साथ सारे ही नोट्स से। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल टेक्सटाइल स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग के बारे में। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो हम इसको ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स, दूसरा है वूवन टेक्सटाइल्स, थर्ड है हमारा प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, और फोर्थ है हमारा पेंटेड टेक्सटाइल्स। देखिए, एम्ब्रॉयडरी वाले में क्या होगा, आपके पास एक प्लेन कपड़ा है, फैब्रिक है, जिस पर आप धागे लेकर उससे कढ़ाई करते हैं, वो धागे उनके साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स को यूज करते हैं, तो जो जो जिस एरिया का रिप्रेजेंट होता है वो हमारे अलग अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है। वूवन में क्या होता है कि आप फैब्रिक को जब आप बुन रहे होते हैं उसी वक्त में उसके वॉर्प और वेफ्ट में ही कुछ इस तरीके के मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि वो वूवन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ प्रिंटिंग हो जाता है। प्रिंटेड की बात करें हम, तो जब हम फैब्रिक को प्रिंट कर रहे होते हैं, मतलब इसके ऊपर से अप्लाई किया जाता है फैब्रिक पर, जैसे कि आप हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके थे कि जैसे कि आपका ऊपर से जो भी कलर अप्लाई किया जाता है, चाहे वो बांधनी हो या कोई भी अलग तरीके से प्रिंटिंग का जो मेथड हो वो। फिर उसके बाद हमारा आता है पेंटिंग का मेथड, जो कि जैसे हम पेंटिंग्स बनाते हैं, वॉल पर पेंटिंग करते हैं, इन द सेम वे फैब्रिक पर भी की जाती है, तो वो हमारा फोर्थ डिवीजन है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ प्रिंटिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चारों ही डिवीजन का मीनिंग समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स के बारे में। एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स में कौन कौन सी टेक्सटाइल्स आती हैं? देखिए, आपको ये तो याद रखना ही है कि पर्टिकुलर जो टेक्सटाइल है वो एम्ब्रॉयडर्ड में आ रही है, वूवन में आ रही है, प्रिंटेड में आ रही है, या फिर पेंटिंग में आ रही है, साथ में ही ये किस स्टेट से ओरिजिनेटेड है, किस कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जरदोजी कहाँ की टेक्सटाइल्स है, कहाँ की, या फिर एम्ब्रॉयडरी है, या फिर कहाँ की प्रिंटिंग है, तो वो आपको याद रखना है। जरदोजी ऑफ उत्तर प्रदेश आपके एम्ब्रॉयडरी में आती है, जरदोजी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में जरदोजी जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है वो की जाती है, या फिर प्रिंटिंग की बात करें तो एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल प्रिंटिंग यहाँ मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कश्मीर की, तो वहां पर काशीदा मिलती है, जिसे हम सेंट्स ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम फुलकारी की बात करें तो ये पंजाब से डेवलप हुई है। कांथा हमारी बंगाल से आती है। आपकी चिकनकारी फेमस है लखनऊ की। कसूती आपकी कर्नाटका की फेमस है, और सिंधी एंड कुछ वर्क आप गुजरात का फेमस है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में याद रखना है, जरदोजी ऑफ उत्तर प्रदेश, कशीदा ऑफ कश्मीर, फुलकारी ऑफ पंजाब, कांथा ऑफ बंगाल, चिकनकारी ऑफ लखनऊ, कसूती ऑफ कर्नाटका, सिंधी एंड कुछ वर्क ऑफ गुजरात। तो आपको ये जब नाम याद रहेंगे
करेंगे, तो आपको किसी तरीके का भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपको याद रखना है कि ये सभी आपकी एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम इमेजेस के थ्रू एक बार से कंफर्म कर लेते हैं, सो दैट हमारा जो स्कीमा है वो क्लियरली आपको याद रहे। ये है आपकी जरदोजी वर्क, जो कहाँ से थी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। फिर उसके बाद ये है आपका कशीदा, कशीदा ऑफ कश्मीर, यानी कि सेंस ऑफ कश्मीर, ये आपका कहाँ से है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हमारा फुलकारी, फुलकारी किस स्टेट से है वो आप मुझे बताएंगे, किस शहर से है पर्टिकुलर कोई फुलकारी, कोई भी एम्ब्रॉयडरी, तो आप वो उसका नाम मुझे लिखकर बताएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन कि आपने कितनी जल्दी चीज को कैच कर लिया है, जो आपको एक्चुअल में लर्न हो गया हो आप वही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद यह है आपका कांथा वर्क, अभी कांथा वर्क किस स्टेट से था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद यह है आपका, ये क्या है आपका चिकनकारी, चिकनकारी किस शहर से है वो आप मुझे बताएंगे। फिर उसके बाद आता है कसूती, कसूती कहाँ से होता है वो आप मुझे बताएंगे। फिर उसके बाद ये है सिंधी और ये है कुचवर, तो ये सब ये सारे ही किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे बताएंगे। आई होप इन सारी इमेजेस, ये सारे ही आपने जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो कहीं ना कहीं देखे होंगे या पहने होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी के घर में कभी मेज पोश पर, कभी कपड़ों पर, कभी आपकी जो लाइनिंग्स होती हैं उन पर यूज किए जाते हैं, तो आपको जरूर इनके बारे में पता होगा। इनमें से हम लोगों ने जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो बहुत सारे खुद से बनाए थे, तो इनमें एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा ये टेक्सटाइल्स में वर्क वर्क नहीं आता था, तो जो मुझे आते थे तो मैंने जरदोजी वर्क तो नहीं किया है, बट हाँ मैंने कशीदा वर्क किया है। कशीदा काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग वर्क होता है, फुलकारी काफी अच्छा है, इसमें सफाई की बहुत जरूरत पड़ती है, कांथा बहुत अच्छा वर्क है, इसको करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें 3 to 4 layers ऑफ फैब्रिक लिए जाते हैं, जो आपका डिस्कार्डेड फैब्रिक होता है, और इसमें बहुत छोटे 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 टांके लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद आपका ये है आपका चिकनकारी, चिकनकारी भी काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत फिनिशिंग चाहिए होती है, ये मेरे से हुआ ही नहीं था जब हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, और फाइनल प्रैक्टिकल में जब हमारा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल था तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यही आया, बट स्टूडेंट थोड़े से चालाक होते हैं तो मैंने उसको एक्सचेंज कर लिया अपनी फ्रेंड से और उन्होंने मेरा बना दिया था, तो ये कसूती। और फिर उसके बाद में है ये सिंधी का कुछ वर्क, ये भी मेरे से नहीं बनाया जाता है। तो इस तरीके के कुछ टेक्सटाइल्स हैं जो एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल हैं, इनमें से आपको कितनी बनानी आती हैं आप ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वुवन टेक्सटाइल के बारे में। वुवन टेक्सटाइल का क्लासिफिकेशन देखें तो इसके अंदर आता है बालूचर बूटीदार, जो बंगाल से रिलेटेड है, ब्रोकेट्स ऑफ बनारस, इट्स अ वेरी कॉमन फेमस वर्क। उसके बाद है कार्पेट्स ऑफ कश्मीर, ये भी काफी फेमस है, ये भी आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पटोला ऑफ गुजरात, पोचमपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इकट ऑफ ओडिशा। तो देखिए इसमें से मुझे लगता है आपको सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और सिक्स नंबर ये तो अब बहुत आसानी से पता ही होगा। पटोला आपका गुजरात का है, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का है, और बालूचर बूटीदार बंगाल का है। तो आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी याद रखने हैं। अगर आपको अभी याद नहीं हुआ है तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। बालूचर बूटीदार इज फ्रॉम बंगाल, ब्रोकेड्स ऑफ बनारस, कार्पेट्स ऑफ कश्मीर, पटोला ऑफ गुजरात, पोचमपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इकट्स ऑफ ओरिसा। तो यहां से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए इनकी इमेजेस देख लेते हैं। तो ये है हमारी बालूचर बूटीदार, जो कि बंगाल में होती है। बंगाल में बेसिकली आपके यहाँ पर ट्रेडिशंस को शो किया जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो भी आपके रामायण के सीन्स हैं, महाभारत के सीन्स हैं, उनको इसमें शो किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपके जो महाभारत का जो सीन है वो शो किया जा रहा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, इस तरीके के यहाँ इनके हाथ में चक्र दिखाया है, यहाँ पर तीर दिखाया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली इनके जो मोटिव्स हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके जो आपके धर्म ग्रंथ हैं उनसे, उन जो जो कहानियां हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड। फिर ये है आपका ब्रोकेड्स ऑफ बनारस, काफी फेमस है और काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है। फिर उसके बाद में ये है आपका कार्पेट्स ऑफ कश्मीर, ये है आपका पटोला, पटोला किस स्टेट से था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद ये है आपका पोचमपल्ली, पोचमपल्ली किस स्टेट से था वो आप मुझे बताएंगे। और इकट
पोचमपल्ली और इकट में बहुत हल्का सा, मतलब बहुत थोड़े से सिमिलर होते हैं ये, बट जो जो आपके पोचमपल्ली होती है उसमें आपके शार्प एजेस होते हैं और क्लियर डिजाइन दिखती है, बल्कि जो आपका इकट होता है उसमें आप देखेंगे ये जो एजेस हैं इसके क्लियर नहीं है, थोड़े से ब्लर जैसे या फिर कहें कुछ मतलब मिक्स जैसे हैं, तो ये आपका इकट है। इकट किस स्टेट से बिलोंग करता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटेड टेक्सटाइल के बारे में। प्रिंटेड टेक्सटाइल में बेसिकली दो टेक्सटाइल्स आती हैं, सांगनेरी एंड बगरू ऑफ राजस्थान, बांधनी ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो देखिए सांगानेरी जो आपकी है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, और जो बगरू है उसमें आप इस तरीके से प्रिंट करते हैं। ये किस स्टेट से है हमने अभी अभी देखा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद बांधनी ऑफ राजस्थान एंड बांधनी ऑफ गुजरात, ये दोनों ही आपके बांधनी के वर्क हैं जो कि राजस्थान और गुजरात में काफी फेमस हैं। चलिए इनके बारे में मैंने आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया है, तो जो जो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लासिफिकेशन जो है पेंटेड टेक्सटाइल्स का। तो पेंटेड में आपके मधुबनी ऑफ बिहार एंड कवलमकारी ऑफ आंध्र प्रदेश आता है। देखिए आंध्र प्रदेश का नाम आपका सेकेंड टाइम आया है इसमें, जिसमें कलमकारी आपका पेंटेड में आ रहा है और आपका वुवन फैब्रिक में, वुवन टेक्सटाइल्स में आ रहा था पोचमपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यानी कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपको दो चीजें याद रखनी है कि वो वुवन में भी वर्क करते हैं और पेंटेड में भी वर्क करते हैं। तो पहले देख लेते हैं मधुबनी पेंटिंग को। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार से काफी फेमस है और ये कुछ इस तरीके की होती है, इसमें ये लोग अपने ट्रेडिशनल मोटिव्स को ड्रॉ करते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स को यूज किया जाता है, और बाकी इसकी जो थ्योरी है उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और ये है हमारी कलमकारी जो कि आंध्र प्रदेश से है। इसमें बेसिकली आपका एक ये एक तरीके का पेन जैसा होता है जिसमें कलर को फिल करके फिर उसके बाद फैब्रिक पर इसको किया जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस जो कि फैब्रिक को प्रिंट पेंट करने के लिए यूज की जाती है। इट इज अ काइंड ऑफ पेंटेड टेक्सटाइल जो कि आपके ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के अंतर्गत आती है। तो यहाँ हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, आप आई होप आपको पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर एंड टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।